हेलो एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीएफ 2005। हम एनसीएफ के बारे में समझने से पहले ये समझें कि एनसीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस प्रकार यदि इंजीनियर से आप अपने घर का डिज़ाइन बनवाते हैं तो आप एक रूपरेखा तैयार करवाते हैं कि हमको कैसा आउटपुट चाहिए, ठीक उसी प्रकार जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एनसीएफ के माध्यम से यह बताया गया है कि हम किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यह एक रूपरेखा ही है। यह पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में, अभी लेटेस्ट 2005 है। यह पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? एनसीईआरटी के द्वारा। चलो एनसीईआरटी के बारे में जान लेते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एजुकेशनल लिखा हुआ है। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका गठन 1961 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में इसका रीजनल सेंटर 5 है। जो एक रीजनल सेंटर अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर, मैसूर में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग में है। अब आगे पढ़ते हैं बेसिक प्रिंसिपल इन एनसीएफ 2005। एनसीएफ के बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि बच्चे के जीवन के लिए उसे एक सर्वांगीण विकास करना। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसके सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का मतलब है उनके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास से, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हिंदी में इसको लचीला कहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो पाठ्यचर्या है वो इतना लचीला हो ताकि बच्चे पढ़ने में उनको आसानी हो। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सीसी का कॉन्सेप्ट आया था 2009 में। टीचर जब बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चे के मेंटल स्टेटस, उनके रुचि, उनके स्वभाव को और बच्चे को अच्छे से समझते हुए अपने लेसन प्लान बनाएं। बच्चे जिस प्रकार सोचते हैं, किस चीज़ में उन्हें रुचि है और उनको किस तरीके से पढ़ने में आनंद आता है, वैसे ही लेसन प्लान बनाएं और इतना ही पाठ्यचर्या को लचीला बनाएं ताकि पढ़ने में आसानी हो। एनसीएफ यह भी चाहता है कि कनेक्टिंग टू आउटसाइड स्कूल। हम सब जानते हैं कि बच्चे 8 या 9 घंटे ही स्कूल में रहते हैं, उसके बाद उनके पूरा दिन स्कूल से बाहर रहता है। वो जो भी क्रियाकलाप करते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को जीने का काम करते हैं, वे स्कूल से बाहर ज़्यादा करते हैं। इसलिए बच्चे को पुस्तक में दी गई सारी जानकारी को ऐसे कनेक्ट किया जाए ताकि उनकी बाहरी जीवन से जुड़ी हो। इसलिए बाहरी जीवन से पुस्तक को कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे इमेज के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे कि सामूहिक क्रियाकलाप में एक्टिव हो, सफाई में, फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के डेकोरेशन होते हैं, रंगोलियां होती हैं, इन सब का महत्व समझे और इनमें रुचि ले और वह अपनी सहयोगिता प्रदान करें। एनसीएफ यह भी चाहता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करें। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वह रोट लर्निंग को हम एक्सेप्ट करें। एनसीएफ हर बच्चे को एक वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है, उसके आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। हर बच्चे का एक व्यक्तिगत अनुभव है, वह अनुभव के माध्यम से अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करे और उस कॉन्सेप्ट को स्कूल में टीचर के समक्ष रखे और इसको सही या गलत ना ठहरा कर टीचर इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें और उनके अनुभव को प्रोत्साहित करते हुए उसे सही मार्गदर्शन दें। इसलिए एनसीएफ ये चाहता है कि आप रटने को से ही दूर रखें, वह खेल कर, अनुभव कर और सोच
अपने ज्ञान नहीं चाहता कि बच्चे एक बर्डन के रूप में पढ़ाई को समझे और रट के ज्ञान को अर्जित करें। एनसीएफ बच्चों के से एक मोरल डेवलपमेंट का विकास हो यह चाहता है, ताकि एक बच्चा सोशल हो, सामाजिक बने और समाज का सेवा करें, उसे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना और उसके नैतिकता डेवलप हो, ताकि उसका खुद का एक मोरल वैल्यूज हो, अब उसकी खुद की एक क्रिटिकल थिंकिंग हो और वह अपने सोच पे मानवता को सर्वश्रेष्ठ दे। ये सारे उनके मन में ये विकास का डेवलप करना एनसीएफ चाहता है।